जय जिनेन्द्र। मैं अभिनंदन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक और सामाजिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पंजाब केसरी विजय वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपत्याचार्य श्री मद विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज जी की निर्षा में जुलाई माह की संक्रांति जलंधर में मनाई गई। यह कार्यक्रम भगवान महावीर जैन भवन कपूरथला रोड में मनाया गया। पंजाब केसरी विजय वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपत्याचार्य श्री मद विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज जी की निर्षा में जुलाई माह की संक्रांति जलंधर में मनाई गई। यह कार्यक्रम भगवान महावीर जैन भवन कपूरथला रोड में मनाया गया। इस मौके पर आयोजकों ने गाजे बाजे के साथ गुरु जी का अभिनंदन किया। समूह जैन समाज के साथ समाज के राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक हस्तियाँ मौजूद रही और अपने विचार व्यक्त किए और गुरुओं का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। आयोजकों ने दूर दूर आए समूह भक्तों का आभार भी व्यक्त किया। जय जिनेश्वर। मैं जनरल सेक्रेटरी श्री आत्मानंद जैन सभा, आज का जो प्रोग्राम है संक्रांति महोत्सव का, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। संक्रांति महोत्सव ये जलंधर को मिला है लगभग 22 सालों के बाद। हमारे वर्तमान गच्छाधिपति शांति दूत जीर्णोद्वारक श्रीमद विजय नित्यानंद जी महाराज और मुनिराज कार्याध्यक्ष मुनिराज मोक्षानंद जी महाराज आज महावीर जैन भवन जलंधर में कपूरथला रोड पे ये संक्रांति महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसकी निशरा, जैसे मैंने पहले बताया, गुरुदेवों की है और इसका आयोजन जो है वो श्री आत्मानंद जैन सभा जलंधर और भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र ज्वाइंट रूप से ये संक्रांति महोत्सव मना रहे हैं। जय जिनेश्वर। जलंधर से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरविंदर सरणा की रिपोर्ट। आत्मानंद जैन सभा नकोदर ने बताया कि पंजाब केसरी विजय वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपत्याचार्य श्री मद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज 18 जुलाई को 8:30 बजे गुरु भक्तों का प्रवेश शुभारंभ श्री आदित्य जैन के निवास स्थान के सामने पुलिस स्टेशन गुरु तेग बहादुर नगर नकोदर में होगा। सार्वजनिक अभिनंदन श्री आत्म वल्लभ जैन आश्रम से धर्म सभा का आयोजन होगा। इस मौके पर गुरु भक्तों को प्रेरणा स्रोत आशीर्वाद देंगे। इस मौके पर समाज के क्षेत्रीय राजनैतिक लोग भी गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आत्मानंद जैन सभा नकोदर ने बताया कि पंजाब केसरी विजय वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपत्याचार्य श्री मद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज 18 जुलाई को 8:30 बजे गुरु भक्तों का प्रवेश शुभारंभ श्री आदित्य जैन के निवास स्थान के सामने पुलिस स्टेशन गुरु तेग बहादुर नगर नकोदर में होगा। सार्वजनिक अभिनंदन श्री आत्म वल्लभ जैन आश्रम से धर्म सभा का आयोजन होगा। इस मौके पर गुरु भक्तों को प्रेरणा स्रोत आशीर्वाद देंगे। इस मौके पर समाज के क्षेत्रीय राजनैतिक लोग भी गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप सभी को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि श्रमण संघीय ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज आत्मकुल कमल दिवाकर भोले बाबा पूजनीय गुरुदेव श्री रतन मुनि जी एवं उत्तर भारतीय प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि सुमन मुनि जी महाराज अज्ञानवर्त्री संथारा साधिका आगम ज्ञाता पूज्य गुरनी मैया श्री अलका जी महाराज सिद्धंचार्य एवं साध्वी प्राप्ति जी महाराज ठाणे दो का चतुर्मास हेतु 18 जुलाई को पूज्य श्री शालीग्राम जैन भवन विजेंद्र नगर से चलकर 7:30 बजे जैन स्थानक में होगा। आप सभी से निवेदन है कि गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रवचन प्रभाविका पावन दर्शन एवं मंगल आशीर्वाद तप सूर्य रत्न ज्योति पूज्य श्री मनीषा जी महाराज सिद्धानाचार्य साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज
ठाणे 2 पावन दर्शन एवं मंगल आशीर्वाद के लिए उपस्थित रहेंगे। आप सभी को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि श्रमण संघीय ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज, आत्मकुल कमल दिवाकर, भोले बाबा पूजनीय गुरुदेव श्री रतन मुनि जी एवं उत्तर भारतीय प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि सुमन मुनि जी महाराज, अज्ञानवर्त्री संथारा साधिका, आगम ज्ञाता पूज्य गुरनी मैया श्री अलका जी महाराज, सिद्धंचार्य एवं साध्वी प्राप्ति जी महाराज, ठाणे 2 का चतुर्मास हेतु 18 जुलाई को पूज्य श्री शालीग्राम जैन भवन विजेंद्र नगर से चलकर 7:30 बजे जैन स्थानक में होगा। आप सभी से निवेदन है कि गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रवचन प्रभाविका, पावन दर्शन एवं मंगल आशीर्वाद तप सूर्य रत्न ज्योति पूज्य श्री मनीषा जी महाराज, सिद्धानाचार्य साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज, ठाणे 2 पावन दर्शन एवं मंगल आशीर्वाद के लिए उपस्थित रहेंगे। लुधियाना शहर के गुड़मंडी के नज़दीक मशहूर प्राचीन तालाब मंदिर में बीती रविवार शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मा चैनल के MD श्री विनोद जैन सहित समूह इलाका निवासियों और अन्य भक्तों ने कार्यक्रम में भाग लेकर भगवान का गुणगान किया। इस मौके पर भगत पप्पू जी ने अपने भजनों से भक्तों को भी निहाल किया। लुधियाना शहर के गुड़मंडी के नज़दीक मशहूर प्राचीन तालाब मंदिर में बीती रविवार शाम भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आत्मा जनरल के MD श्री विनोद जैन सहित समूह इलाका निवासियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर नन्हे बच्चों और अन्य भक्तों द्वारा प्रस्तुत भजन सुनकर भक्ति रस का आनंद लिया और भजनों पर खूब नाचे। कार्यक्रम के अंत में आरती का आयोजन किया गया और देशभक्ति के गीत भी गाए गए। इस अवसर पर आए हुए भक्तजनों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई। धन्यवाद योगी भास्कर जी का, जिन्होंने बहुत ही कीमती समय निकाल कर हम सभी लोगों को दिया। मैं भगत जी को एक वाजू बताना चाहूंगा कि इस मंदिर के अंदर हर एतवार को धार्मिक प्रोग्राम लगभग 8-10 साल से चल रहा है, पर उसके अलावा
हम आधा घंटा कम से कम देशभक्ति को भी देते हैं, क्योंकि यदि हमारा धर्म नहीं रहेगा तो हमारा देश भी नहीं रहेगा। इसलिए धर्म को बचाना बहुत जरूरी है। आप जैसे क्रांतिकारी संतों की हमारे भारत देश को जरूरत है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा हाथ के अंदर छैने ढोलकिए तो हम जू खड़काते हैं, लेकिन समय बदल गया है। इस समय के अंदर यदि हमने अपने धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को आगे लेके जाना है, उन लोगों को करारा जवाब देना है जो लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म से पहले हमारा धर्म था। जरूरी है कि आप जैसे संत हम लोगों को आशीर्वाद दें और देश के अंदर क्रांति लेके आए धर्म की, सनातन धर्म की। जी आपका हम 10 मिनट अभी और लेंगे, क्योंकि देशभक्ति का जो गीत इस तला मंदिर के अंदर आप देखने योग्य होता है, कैसे जोश सभी लोगों के अंदर आता है। हमारे ग्रोवर जी अभी एक देशभक्ति का गीत गाएंगे। ग्रोवर जी तेज हबीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो इस देश का यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना। आज हमारे बीच में जोगी भास्कर आनंद जी ने सभी भक्तों को अपने शब्दों से निहाल किया, उनके वचनों ने प्रभाव किया कि कैसे हम देशभक्ति के लिए भार हो सकते हैं। और मैं सभी संतों से जो घर बैठ के हम सबको देख रहे हैं प्रार्थना करूंगा कि हर रविवार 8 बजे तालाब मंदिर में पहुंचें और शब्दों से भक्तों का निहाल करें। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरविंदर सरणा की रिपोर्ट। मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएशन की ओर से समाज को हरा भरा और स्वस्थ बनाने के लिए जिला लुधियाना में पौधे करने शुरुआत की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष पंकज ने बताया कि सावन के महीने में पौधे लगाने से भरपूर लाभ मिलता है, जिससे वृक्ष लगाने की यही उचित समय है। पौधे लगाने से हमारा वातावरण शुद्ध होता है। लुधियाना के अलग अलग इलाकों में यह मुहिम चलाई जाएगी। पंकज ने बताया कि 30 जुलाई तक यह मुहिम चलेगी और पहले चरण में 5,000 पौधे लगाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा होनी चाहिए है, जो कि इस वेले लोगों के बहुत एक अप्रोच सी कि हाँ असी हाईवे लगा सकते हैं या असी वो की कहते हैं पार्कस लगा सकते हैं, पब्लिक प्लेसिस असी लगा सकते हैं। गार्डनिंग तो असी करते हैं अपने अपने घर करते हैं, बट आज की डेट के मेन जी वो प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट्स की पब्लिक प्लेसिस लगा सकते हैं असी सो सानू जरूरी सगा वो असी कवरेज जी प्रेस है वो असी कॉन्फ्रेंस के नाल ये सद्दा दिंदे आ सारे लोगों नूं। असीं ये हाथ जोड़ के बेनती भी करते हैं कि भाई ये जरूर साडा उपराला जिहड़ा है ये सक्सैस करो जिन्ना मैक्सीम टू मैक्सीम तुसीं कर सकते हो। लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और नए समाचारों के साथ। ब्रेक के बाद सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और नए समाचारों की ओर। निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू व लोक निर्माण विभाग के मंत्री विजय इंदर सिंगला की ओर से वल्ला रेलवे फाटक से अमृतसर वल्ला राष्ट्रीय बाईपास तक सब्जी मंडी वाली करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन हुआ। इस पर अनुमानित 2,10,00,000 रुपये की राशि खर्च होगी। इस तरह दूसरा उद्घाटन अमृतसर पठानकोट सड़क सेक्शन मधूल के वेरका प्लांट कैनाल किलोमीटर 98.5 से 100.15 तक सड़क का उद्घाटन किया, जिस पर अनुमानित 1,75,00,000 रुपये खर्च होंगे। इस अवसर पर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस सरकार विकास कार्यों की कमी नहीं आने देगी। उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों सड़क बनने से लंबे समय से भारी दिक्कत का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलेगी। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਮੂਧਨਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੇਰਕੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ
ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਮਕੂਗੀ ਪੂਰੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੂਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ BRTS ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹ 2.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਰਾਊਂਡ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਨ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ 100 ਏਕੜ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡੀਸ਼ਨਲ ਨਸ਼ੇ ਖਸਖਸ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋ ਦਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਕੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੇਂ ਰੱਖ ਕਰ ਸੂਬੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਓਂ ਕੀ ਤਰਜ ਪਰ ਹੀ ਖਸਖਸ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਏ। ਇਨ ਕਿਸਾਨੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਸਾਥ ਆਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੇਂ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਟੀਕੇ ਔਰ ਦਵਾਈਓਂ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯਦਿ ਸਰਕਾਰ ਖਸਖਸ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੋ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਜੋ ਫਸਲ ਆ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਚਾਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਭ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਸਖਸ ਡੋਡੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਾ ਹੀ ਅੱਜ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਰਜੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਟੂਟੀਓਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੇਂ ਹੁਆ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਯੋਜਕੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਬਚਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਖੂਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੀਏ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲੱਡ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਨੀ ਸਰਿੰਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰਾਣਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੋ ਅਕੇਲੀ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋ ਦਰਸਾਏਗਾ ਸਲਾਮ ਨੋਨੀ ਅਪ ਨਾਟਕ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਐਸ ਕੇ ਰਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਗਪਾਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਵਨ ਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਟਵਿੰਕਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਮੇਂ ਅੱਜ ਕੋਨੇ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਰ ਹਮ ਇਸ 21 ਕੋ ਬੜਾ ਪਲੇਅ ਲੇਕਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੋਨੀ ਆਪਾ ਕੇ ਨਾਮ। ਜੈਸਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਇਸ ਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਆ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਟੇਕ ਕੀਆ।
इतनी बड़ी क्राउड ने कभी भी अटेंड नहीं किया, जितना अटेंड किया, बहुत हाईली अप्रिशिएटेड। आप जान सकते हैं कि एक डाइवोर्सी वुमन के लिए हिंदुस्तान में सोसाइटी में जीना और रहना कितना मुश्किल होता है, तो इस स्टेज पे आके उनकी इमोशन से जो आदमी उनको अपनी छोटी उम्र से मिलते हैं, तो उसको कैसे इन्होंने स्टेज प्ले में विद लॉट ऑफ ह्यूमर, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ इमोशंस कैसे बैलेंस किया है, ये प्ले उसके बारे में है। और आपने देखा कि कितने डायरेक्टर्स और कितने अच्छे एक्टर्स ने इसको अप्रिशिएट किया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ललित दुबे ने इनको यू नो स्टेज प्ले में यू नो उसको एक शो किया। लुधियाना से विकास भांबरी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की ओर से नशे के विरोध में चलाई गई मुहिम का आगाज हल्ला बोल मुहिम पंजाब के बरनाला जिले के कस्बा महल कला से विशाल रैली के रूप में हुआ। पंजाब भर से लोगों ने लिया हिस्सा। यहां पर पूरे पंजाब भर में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरा हफ्ता चिट्टे नशे के विरोध में मरो या विरोध करो के रूप में मनाया गया। वहीं इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से नशे के विरोध में शुरुआत पंजाब के बरनाला जिला हल्का विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी के नेतृत्व में हुई। विधायक पंडोरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चिट्टा नशा पंजाब में इतना ज़्यादा फैल चुका है, उसे खत्म करने के लिए 1 हफ्ता काफ़ी नहीं है, इसीलिए आम आदमी हाईकमांड ने नशे के विरोध में इस मुहिम की शुरुआत की ताकि पूरा पंजाब इकट्ठा होकर नशे के खिलाफ हल्ला बोल सके, पंजाब की नशे में डूब रही जवानी को बचाया जा सके। इस विशाल रैली में विशेष तौर पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के विपक्ष दल के नेता विधायक सुखपाल सिंह खैरा। सुखपाल सिंह खैर ने रैली के दौरान लोगों को संबोधन किया। नौजवान नशा दिए इन्हें लग चुके हैं, उन्होंने बचाने के लिए साढ़े वालों हर तरह के उपराले किए जाएंगे, पूरा उन्होंने नौजवानों का सहयोग किया जाऊगा, जाने के जिथे तक भी हो सके उन्होंने तक, क्योंकि जो नौजवान मरीज बन चुके हैं उन्होंने सामने के लिए साढ़े नौजवान पिंड वाले क्लब वाले भी तैयार ने, साढ़े आम आदमी पार्टी वालों पूरा सहयोग दिता जाऊगा। जो खर्चे वालों भी जो कोई नौजवान नहीं को इलाज करवा सकता वो मेरे नाल संपर्क कर सकता, अपने हल्का महल घर के अंदर उन्होंने मेरी जिम्मेवारी उन्होंने दाखिल करवाना, उन्होंने मेडिसन दवाना। आने वाले समय के साडे सह प्रधान डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने मैंने आख्या भी एक डॉक्टर है जोड़ा वो अपने हल्के को मुहैया करवाएंगे जो नशे छो। बरनाला से लक्षदीप गिल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं अभिनंदन कल फिर हाजिर हूँगा कुछ और नए समाचारों के साथ। आप यूं ही देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।